मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम में स्थित है। और ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे माता पार्वती और महादेव एक साथ ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर बाबा मल्लिकार्जुन के लिए। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो हमारा सफर शुरू होता है मुंबई से हैदराबाद तक। जैसे ही आप हैदराबाद पहुँच जाओगे, इस स्टेशन से आपको शेयरिंग कैब बस मिल जाएंगे श्रीसाइलम तक, जो कि हैदराबाद से श्रीसाइलम 180 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोगों ने कैब हायर करके अपना जर्नी श्रीसाइलम तक शुरू कर चुके हैं और हमें श्रीसाइलम पहुंचते पहुंचते 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। ड्यूरिंग जर्नी हम लोग 50 किलोमीटर के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट होते हुए जाएंगे, जो कि तेलंगाना में है। और हम लोग इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां पर प्रोड्यूस होता है, और वो जो प्लेस है वो श्रीसाइलम में है, वो भी हम लोग क्रॉस करके आगे जाएंगे। तो हम लोग श्रीसाइलम पहुंच गए हैं। कुछ ही दूरी पे मंदिर का परिसर है और पहुंचते ही हम लोग पहले रहने का बंदोबस्त करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमें रहने का बंदोबस्त हो गया है। हम लोग अभी डिनर करके जल्दी जाके रेस्ट करना है, क्योंकि रात को 3 बजे से मंदिर के लिए निकलना है। हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए और आगे जाके हम लोग को अपना मोबाइल फोन क्लॉक रूम में जमा करना है, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, दर्शन के बाद हम लोग मिलते हैं।
तो दोस्तों हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरह दर्शन हुआ है बाबा मल्लिकार्जुन का, और इसके साथ साथ हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ है। अभी हम लोग प्रसाद लेके यहाँ पे एक फेमस गणपति का टेम्पल है, वहाँ पर भी जाना है। बोलते हैं कि जब तक आप ये गणपति बापा का दर्शन नहीं करते हो तब तक आपका ये यात्रा पूरा नहीं होता है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी गणपति का अच्छे से दर्शन हो गया है। उपकृत हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं और एक ज्योतिर्लिंग के साथ। हर हर महादेव।